से अंगद के हियम। सतगुरु पातशाह कहिंदे असी गुरु अंगद साहब दे हिरदे विच बस गए। सतगुरु पातशाह कहिंदे सीरी मुख भन्यो चरण मम तहवा। साडे चरण किथे होणगे? सीरी मुख भन्यो चरण मम तहवा, बसे तहां होए संगत जेहवा। ए जो आप जी संगती रूप विच बसे हो ना, संगत विच गुरु दे चरण ने, संगत विच गुरु दा शब्द प्राप्त हुंदा है। इस करके भाई साहब जी भी कहिंदे निज कार मेरो साध संगत। नारद मुन, नारद मुनि नूं उपदेश दिता कि मेरा घर संगत दे विच है, संगत दे विच ही मैं रिता प्रति वसदा हां। गुरु दा चरण गुरु दा शब्द है, इसलिए कहिंदे चरण कमल हिरदय धर ध्यान। गुरु दे चरण जेड़े ने गुरु दा शब्द, ते गुरु दे शब्द नूं हिरदे विच ध्यान धारणा कर। हृदय हिरदे अंतशकरण दे विच निता प्रति ध्यान धारणा कर, भाव के गुरु दा शब्द वसाउणा कर। असी शब्द पढ़ लैने, असी शब्द सरवण कर लैने, पर धारण नहीं करदे। खिमा करनी ना कहण वाले ते ना सुनन वाले, मन विच औगण अजे तक उपजाउंदे त्यों बसे होए ने, क्योंकि हिरदे विच औगण ने। शब्द किवें वसेगा? जदों शब्द हिरदे विच वस गया ना, ते गुरपूरे मस्तक हथ धारे विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां, फिर सारियां बुरियाईयां खत्म हो जाणगियां। इसलिए मेरे गुरदेव बख्शिश करदे ने कि हे भाई, जिहड़े पातशाह जी दे कमल सरीखे चरण ने ना, उहनां नूं अपने हिरदे विच ध्यान धारणा कर। चरणां दा ध्यान, गुरु दे शब्द दा ध्यान अपने हिरदे विच धारण कर। महाकवि संतोख सिंह जी ने ना गुरु दे चरणां नूं कमल दी तशबीह दित्ती गई है। आ जिहड़े कमल फुल हुंदे ने ना, इन्हां दी उदाहरण इन्हां दी तशबीह दित्ती है। अखीर विच कहिंदे इह नहीं गल बणदी, क्योंकि चरणां कमलां दी मौज जिहड़ी है ना, वह कमल फुल दे विचों नहीं प्राप्त हो सकती। हीन जो कलंक तो समान हो ते चंद ही, चंद्रमा की भी तशबीह नहीं दिती जा सकती है। इसलिए पातशाह दे चरण कमल जेड़े ने, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। गुरु दे शब्द रूपी चरण जेड़े ने, उन्हां दा अपने हिरदे विच ध्यान धारण करना है। किसी मूर्ति का ध्यान नहीं धरना, किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं धरना है। दूर संतन की मस्तक लाए, जिहड़े गुरु दे प्यारे संत ने, जिन्हां ने सत नूं पहचाणिया, ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा। गुरसिख संत, बाणी ते बाणे दे संत, नाम दे रसीए संत, ते सच जाणियो संत कोई लिबास नहीं है। ये नहीं कि किसी लिबास नूं ही संत संत किया जांदा है। तुसीं ग्रिश्ती ते सारियां तों वड्डे संत हो, जिहड़े अपनी धर्म की किरत करदे ने, नाम जपदे ने, वंड छकदे ने, गुरु घर की सेवा करदे ने, संगतां दे जोड़े झाड़दे ने, सारियां तों वड्डे ते संत ओह ने। जिहड़ा किसी ते डिपेंड रहण वाला, वह संत किवें हो सकदा? इसलिए गुरुदेव पातशाह कहिंदे सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। इत्थे कोई सतगुरां ने वखरी पहचान ते नहीं ना कही, इत्थे गुरुदेव कहिंदे सास गिरास न विसरै। जिन्हां नूं सवास अंदर नूं लैंदिआं बाहर नूं कढ़दिआं परमात्मा दा नाम नहीं विसरदा, जिन्हां नूं भोजन छकन लग्गिआं परमात्मा दा नाम नहीं विसरदा,
एक बारी ना भाई नंद लाल जी कहिंदे पातशाह आप जी नूं केड़े सिख चंगे नहीं लगदे, आप जी नूं केड़े सिख चंगे नहीं लगदे। ते भाई साहब भाई नंद लाल जी ने सतगुरां दे बचन अंकित कर दिते, ख्याल विच रखियो, कहण लगे वाहे गुरु बिन कहे जो खावै, वेसवा द्वार सिख जे जावै, पर स्त्री स्यो नहीं लगावै, गोबिंद सिंह सो सिख ना पावै। ये गुरदेव पातशाह ने बचन कहे जो भाई नंद लाल ने अंकित किए ने कि जदों असी प्रशादा छकना है ना उदों भी वाहिगुरु कहना, उदों भी छोटी अरदास करनी है। महाकवि संतोख सिंह जी ने बहुत अरदासां दा जिक्र किया है। भाई साहब कहिंदे हर कार्य करन समय सिख ने अरदास करनी है, जल छकना तां भी वाहिगुरु कह के, प्रशादा छकना तां भी गुरु के चरणों में अरदास करके वाहिगुरु कह के। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਮਿਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਪੱਬਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਸਤਕ ਲਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਪਾਉਤ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧਖੇ ਸਾਈਂ ਥੀਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਧੂੜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪਰਸਨ ਦੀ।
पातशाह कहिंदे जन्म जन्म की, जन्म जन्मात्रां दी, एक जन्म दी नहीं, सौ जन्म दी नहीं, जन्म जन्मात्रां दी जिहड़ी मैल है ना, किहड़ी मैल? जिहड़ी दुरमत दी मैल, खोटी मत दी मैल। वैसे मैल तीन तरह की कही है, माल बख्शेप ते अवरणता दी मैल। ये तिने तरह की मैल संगत विच आण के नास हो जाती है। खोटी मत चली जाती है, कदों चली जाती है? जदों असी गुरु की संगत दे विच आउंदे हां, क्योंकि गुरु का उपदेश साड़ी खोटी मत नू कट के ना ते श्रेष्ठ मत की बख्शिश कर देंदा है। साड़ी अवगुणा नू त्याग करवा के गुणा की बख्शिश करवा देंदा है। इसलिए पातशाह जी बख्शिश करदे ने, जिस भेटत मिटे अभिमान, जिस चरणा की धूड़ी नू प्राप्त कीते हैं, जिसनू चरणा की धूड़ी मिल जाए ना सत संगियां दी, जिस दे मिलन करके हंकार चले जांदा है, अभिमान हंगता ममता कटी जांदी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ना इहदे विच कुछ एहतियात वरते गए ने, ते सब तो पहला कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी विच हों नहीं है, होमे का कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं है। आप जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ते हो, गुरु नानक साहिब जी की बाणी, गुरु अंगद साहिब जी के सलोक, गुरु अमरदास जी की बाणी, पंचम गुरदेव की बाणी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी, जितनी समस्त बाणी है ना, समस्त बाणी उच्चारण करके अंकित करके अपना नाम किते नहीं वरत्या, अपना नाम किते नहीं वरत्या सतगुणा ने, परमेश्वर का नाम वरत्या, नानक नाम। हर एक शब्द के अंत दे विच, अंत विच शब्द नानक वरत्या, और किसी शब्द विच होमे नहीं है, क्योंकि होमे है जिहड़ी संगत विच नहीं बैठन देंदी, होमे है जिहड़ी नाम दे नाल नहीं जुड़न देंदी, होमे है जिहड़ी सानू सेवा का लाभ नहीं लैन देंदी, क्योंकि होमे नावै नाल विरोध है, दोए ना बसै कठाए। ते साहिब कहिंदे अभिमान हंकार हंगता चली जांदी है, पार ब्रह्म सब नदरी आवै, कर किरपा पूरन भगवान। उस दे नाल की हुंदा है, जदों अहंकार चले जाए, अभिमान चले जाए, फिर सारे विच पार ब्रह्म ही नजर आउंदा है, ना कि हिंदू दिसदा है, ना मुसलमान दिसदा है, ना ईसाई दिसदा है, ना सिख दिसदा है, सारिआं विच ही परमात्मा दिसदा है। फिर बिरती बन जांदी, सबै कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, एकल माटी कुंजर चीटी, भांजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। सारिआं विच रमिया होया राम ही नजर आउंदा है, सारिआं विच परमात्मा नजर ही आउंदा है। ते फिर साहिब कहिंदे ने, जदों तेरी ऐसी बिरती बन जाए सिखा, फिर एक अरदास कर, एक जोदड़ी कर, कर किरपा पूर्ण भगवान, ऐ पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा, हे प्रभु मेरे ते किरपा कर, मेरे ते रहमत कर, फिर मैनू जिथे देखा तिथे तू ही, और ना कोई दिसदा दूजा तिसदा, गोवा कहे संसार दे अंदर त्याग करा मैं किसदा, होर ना दिसदा, बेनती कर मैनू होर कोई दिसे ही ना, मैं जिसनू भी देखा ना उहदे विच मैनू तेरे दीदार होण, उहदे विच ही मैनू तेरे दर्शन होण। जदों असी ईरखा करके, द्वैत की नज़र करके दूसरियां विच घिरणा करदे आ ना,
ते वो मालिक नाराज हो जाता है। भाई नंद लाल जी कहते खलक दुखे नंद लाल जी, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक कोपे ताहे खालक खालक की जान कै, खालक दुखावे नाही। जदों तू किसे नूं दुख देना है ना तो मालिक दुखी हो जाता है, क्योंकि जिसनों तू दुख दे रहा है ना उहदे विच भी तो मालिक ही बैठा है। इस करके बख्शिश सतगुरु करन, ऐसी बिरति बन जाए, अरदास करिए के सारे विच पार बनो नजरी आवे। रहाओ गुर की कीरत जपिए हर नाओ। गुरु दी कीरति की है, गुरु दा जस की है, जपिए हर नाओ। हरी परमात्मा प्रभु दा नाम जपना, परमेश्वर दा नाम जपना ही गुरु दी कीर्ति है। गुर की भगत सदा गुण गाओ। गुरु दी भगती की है, सदा उस परमात्मा दे गुण गायन कर। वेखो सतगुरां ने शब्द सदा वरत्या है, असी गुरु दे नाल शर्त ला के जपदे हैं, असी गुरु दे नाल एक अहद करके जपदे हैं कि असी 40 दिन जपना, 41 दिन 41वें दिन नहीं आना। असी 40 दिन जोड़े झाड़ने ने, 40 दिन नितनेम करना है, 40 दिन झाड़ू फेरना है, 40 दिनों तो बाद तेरा साडा कोई संबंध नहीं। बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारे है नानक कारज सार। इसलिए कहिंदे सदा सदा जपिए हर नाम, सदा परमात्मा दा नाम जप। जिन्ना जप सकदा ना रोज जप, इन्हीं के कुछ दिन जप के बंद कर देना, रोज जप जिन्ना क जप सकदा है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट घंटा जिन्ना जप सकदा है, पर शर्त ला के ना जप। गुर की सुरत निकट कर जान। हाँ, गुरु की सुरत की है, निकट कर जान। ए जिहड़ियां पंक्तियां सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने ना, ये पंक्तियां सानू सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने इसे ही सिद्धांत विच बख्शिश कीतियां ने। साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां दे इतिहास तो आप जी भली प्रकार जाणू, बचपन दे विच ही माता पिता सिर तो साया उठ गए, पर घबराए नहीं, मुश्किलां दा डट के मुकाबला कीता, अपनी किरत कीती, नाम जपिया, ते छोटी जी किरत विचों वंड के भी छकिया। किसे महात्मा ने कह दिता कि मैनूं भुख लगी है, ते घुंगणियां दे बुक भर भर के उहदी झोली विच पा दित्ते कि तुसीं अपनी भुख मिटाओ। कैसा सिद्धांत गुरु ने बख्शिश कीता सानू। फिर पातशाह ने रिश्तेदारी नहीं जनाई, साडे घरां विच कोई रिश्तेदार ऐसा आ जाए ते सानू सारे परिवार नू हत्थां पैरां दी पै जांदी वी इहदी सेवा करनी, किते नाराज़ ना हो जाए। ते पातशाह गुरु रामदास जी गुरुदेव पातशाह दे हजूर दामाद होण दे नाते भी अपने सिर ते टोकरी चुक रहे ने, किड्डी महान प्रेरणा समा नहीं है। उस पातशाह गुरु रामदास जी ने ना एक सिद्धांत बख्शिश कीता है सतगुरु जी ने सानू। वो किहड़ा सिद्धांत है? एक पौड़ी विच पातशाह ने अंकित कीता है, जिस सर्ब सुखां फल लोड़ीऐ सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्यावो, दुख न देई किसे जी पत स्यों कर जावो, होए सगल की रेण का साध संग समावो, पतत पुनीत करता पुरख नानक गुण गाव। जे कह लो कि उहदी व्याख्या सतगुरु जी कह रहे ने कि गुरु की कीर्ति प्रभु दा नाम जपना, गुरु दी भगती हमेशा सदा उहदे गुण गायन करने ने,
और सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरु दे नाल सुरत की जोड़नी है, गुरु नूं अपने हमेशा अंग संग समझना। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। तुसी नितनेम करदे हो ना, सदा अंग संगे अपंगं बिपूते है। गुर का शब्द सत कर मान, गुरु का शब्द गुरु दा उपदेश, गुरु नूं सत करके मनना करके। गुरु सत है, बाकी सब असत है। असी भरम दे कारण ब्रह्म अंत जग सत भरम मनी बैठे हैं। जो सत है उसनूं असत समझे है, जो नासवंत है उसनूं सच समझ ले है। भाई उसनूं सत करके मनना ही उस गुरु की बख्शिश, गुरु दे शब्द नाल जुड़ना है। गुर बचन समसर सुख दुख, गुरु के बचन की ने, गुरु के बचन कैसे कमाउणे ने कि सुख ते दुख विच बिरती समान बन जाए। सुख ते दुख विच एक समान अंतर बिरती हो जाए, ये बचन बन जान। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख पी तुझे त्याई। जे भुख देहे ता इतही राजां, दुख विच सुख मनाई। दुख विच भी सुख नूं प्राप्त करना। सुख ते दुख दोनों ये शरीर दे कपड़े ने, जिवें आपां अज कपड़े पाए ने, शाम नूं ला देने, सवेरे ला देने ने। इसे तरह सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। ये तो शरीर दे कपड़े ने, अज सुख है कल नूं हो सकदा दुख हो जाए, अज दा दुख कल नूं सुख दे विच तब्दील हो सकदा है। इसलिए समान बिरती रखनी है। कदे न व्यापे तृष्णा भूख, फिर की होएगा? साहब कहिंदे ने कदे तैनू तृष्णा की भुख नहीं व्यापेगी। जिहड़ा मनुख तृष्णा की भुख जिसनू लगती है ना, वह कदे रजदा ही नहीं। जे बन्ना पुरियां भार, सारियां दे पुरियां दे भार भी बन के उसनू दे दिओ ना, ओदी तृष्णा नहीं मिटनी। क्योंकि तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोर है लाख करोड़ है मन ना हो रहे, परै परै ही को लुझी है। ये तृष्णा की भुख ऐसी है जेड़ी कदाचित मिटदी ही नहीं। मन संतोख शब्द गुर राजे, इसलिए मेरे गुरुदेव पातशाह जी बख्शिश करते ने कि मन संतोख शब्द गुर राजे। गुरु दे शब्द दे राही मन विच संतोख पैदा हो जाए, ते जदो मन संतोख विच आ जाए ना, फिर मन रज जांदा है। सम संतोख ना आन सुख, तप ना खिमा संग जान। संतोख वर्गा कोई सुख नहीं, किसे जीव दे उते खिमा कर देन वर्गा कोई भी तप नहीं है। सत बिन जिहड़ा है ना सील नहीं है, संतोख दे बिना सुख नहीं है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहिंदे ने जप गोबिंद पढ़ दे सब काजे। परमात्मा दा नाम जप भई कादे वास्ते जपना है? साहब कहिंदे तेरे सारे पर्दे कजे जाणगे। नाम जप तेरे सारे पर्दे कजे जाणगे, क्योंकि नाम जपण दे नाल कोई औगुण नेड़े ही नहीं आउंदा है। बहादुर जाफर ने ना एक मेरी एक बड़ा प्यारा शब्द कहा है, जब लग अपने गुनाहों को ना पड़ी नज़र। जिन्ना चिर अपने गुनाह ते मनुख की नज़र नहीं ना जाती, उन्ना चिर सारिया नू गुनाह ही समझदा है। ते जो अपने गुनाह नज़र आउंदे ने ते फिर कोई बुरा नज़र ही नहीं आउंदा। अपने गुनाह वाले तक दूसरे दे गुण तक, अपने औगुणा नूं त्याग दूसरे दे गुणा नूं ग्रहण करना कर। इसलिए मेरे पातशाह जी कहिंदे ने भाई परमात्मा दा नाम जपना कर, तेरे सारे पर्दे कजे जाणगे। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद,
गुरु परमेश्वर है भाई, परमात्मा का स्वरूप है,